तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Vivo Z1 X के बारे में। तो इस फोन को आप Vivo Z1 Pro का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस फोन का डिस्प्ले के बारे में। तो Vivo Z1 X में आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले। तो AMOLED डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। और यहाँ पर Vivo ये भी क्लेम करता है इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ये अनलॉक कर देता है 0.48 सेकेंड्स में। तो इस फोन का जो डिस्प्ले का साइज है वो हमें कंफर्म नहीं पता है। सो हम लोग ये एक नॉर्मली एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें हमको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 712 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और ये आता है 10 नैनोमीटर के साथ। तो ये जो प्रोसेसर है ये हमें Vivo Z1 Pro में भी देखने को मिला था। सो यहाँ पर भी सेम प्रोसेसर आपको मिलता है। तो अगर इसके जीपीयू की बात करें तो इसमें आपको मिलता है Adreno 616 का जीपीयू। तो अब हम बात करेंगे इस फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में। तो रैम के बारे में हमें इतना कंफर्म पता नहीं है कि इसमें आपको कौन सा वेरिएंट देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसमें गेस कर रहे हैं कि हमें शायद इसमें 6GB की रैम और 64GB का इंटरनल वेरिएंट देखने को मिल सकता है, या फिर इसमें आपको शायद मिलेगा 6GB की रैम और 128GB का इंटरनल मेमोरी। तो देखते हैं, ये लॉन्च होने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा वेरिएंट इसमें देखने को मिलता है। और अब हम बात करेंगे इस फोन के कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको पीछे में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो जो पहला कैमरा है वो आता है 8 मेगापिक्सल के साथ और ये एक वाइड एंगल लेंस है। और जो सेकंड कैमरा है जो एक प्राइमरी सेंसर है तो ये आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल के साथ। तो ये आता है सोनी IMX582 लेंस के साथ। तो IMX582 और 586 का डिफरेंस यही है। इसमें आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और IMX586 में आपको 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो हमारा जो तीसरा कैमरा है वो आता है 2 मेगापिक्सल के साथ और ये एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, मतलब इसमें आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे की ओर। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। तो अब हम बात करेंगे इसका बैटरी की। तो यहाँ पर आपको मिलता है 4500 mAh का बैटरी। तो पिछले बार से, मतलब Vivo Z1 Pro से, आपको यहाँ पर 500 mAh कम मिलता है, लेकिन इसमें आपको 22.5 वाट का फ्लैश चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और आखिर में हम आ जाते हैं इस फोन के प्राइसिंग की ओर। तो जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम हमें इसका प्राइस नहीं पता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये फोन हमें शायद 15,000 से 17,000 रुपीज के बीच में देखने को मिल सकता है। तो अगर ये फोन इस प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च करता है तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी फोन होगा। तो ये फोन लॉन्च होने वाला है 6 सितंबर 12 PM को। तो ये फोन आपको मिलेगा सिर्फ फ्लिपकार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है कि क्या करना है। तो हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।